निकटवर्ती गांव मलसीसर में राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवान महेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। महेंद्र सिंह अपने साथी प्रताप सिंह के साथ एक दिन पहले बड़ाबर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिस दौरान वो बाइक पर सवार थे। इस दुर्घटना में फौजी महेंद्र सिंह और प्रताप सिंह दोनों की मृत्यु हो गई थी। जवान महेंद्र सिंह को बीकानेर से आए मेजर नीतीश चौधरी के नेतृत्व में जवानों की टुकड़ी ने सलामी दी। एडीएम मंगलाराम पुनिया सहित अनेकों अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जवान महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं गौरवशाली सेनानी समिति के अध्यक्ष मिशन जाट सचिव श्री कृष्ण झारिया, रामलाल झारवाल, मोहनलाल दित्रवाल, मालाराम आदि ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुत्र यशवंत ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शव यात्रा में शामिल होकर जवान महेंद्र सिंह को नम आंखों से अपनी विदाई दी। आपको बता दें, जवान महेंद्र सिंह वर्तमान समय में पठानकोट में पोस्टेड थे। वहीं सदर थाना पुलिस ने धारा 304 वन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर के पास स्थित हाई मास्क लाइट के विद्युत तार व अन्य उपकरण खुले रहने से आम लोगों में हर वक्त खतरे का अंदेशा बना रहता है। दरअसल यहां पर पास में एक स्कूल स्थित है, जिसमें रोज सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। वहीं हाई मास्क के स्विच व अन्य उपकरण नीचे स्थित होने के कारण हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं आम लोगों ने इन बटन, स्विच आदि को, उपकरणों को ढकवाने की मांग की है, ताकि किसी भी प्रकार की हादसे की आशंका को खत्म किया जा सके। सुजानगढ़ शहर व आसपास के क्षेत्र में होली का त्यौहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। होलिका दहन का मुख्य कार्यक्रम होली द्वारा पूर्व जहां पर विधि विधान के साथ सहायक लेखाधिकारी भोलाल मेहरड़ा, सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, ओम प्रकाश स्वामी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद होलिका दहन हुआ। प्रतीकात्मक रूप से भक्त प्रहलाद को बचाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। होली के परंपरागत गीत और भजन चंग की थाप पर गाए गए। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद की ओर से की गई। चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया की नामांकन सभा में भाग लेने के लिए सुजानगढ़ से अनेकों कार्यकर्ता भाजपा मंडल अध्यक्ष भागीरथ करवा के नेतृत्व में चूरू गए। गांधी चौक से रवाना होते वक्त भाजपा नेता बसंत दाधीच, गंगाधर लाखन, लीलाधर शर्मा, कैलाश टेलर, अशोक कुमार, विपिन प्रतापत सहित अनेक कार्यकर्ता बस के माध्यम से चूरू गए। इसी प्रकार शहर के अन्य स्थानों से भी बीजेपी कार्यकर्ता और नेतागण चूरू जाकर नामांकन रैली में सभा में शामिल हुए। अमित शाह जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद। सुजानगढ़ शहर के चांदबास रेलवे फाटक से खानपुर फाटक के बीच लाडनो साइड से सुजानगढ़ की ओर आ रही मालगाड़ी के आगे आकर गतरात्रि को एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसे मालगाड़ी द्वारा सुजानगढ़ लाया गया, जहां से आरपीएफ सुजानगढ़ चौकी इंचार्ज एएसआई रविंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रामकरण आदि लोग पहुंचे। उठी मारे का सहारा संयोजक श्याम सोनकार की मृत से वो लाडनो के अस्पताल ले जाया गया। मृतक की शिनाख्त धनाराम जाट निवासी डुबरा के रूप में हुई। मृतक सवारी टेम्पो चलाने का काम करता था। पुलिस ने प्रजनों की रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई करके शव को सौंप दिया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गुलेरिया के निवासी धनाराम नायक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उसके लड़के को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में धनाराम ने बताया कि 23 मार्च को सतपाल नायक ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन सुमन व तुम्हारा लड़का नरेश मेगा हाईवे पर खड़े थे। बिदासर की तरफ से आ रहे ट्रक ट्रोले के चालक ने दोनों को टक्कर मारी, जिससे सुमन साइड में गिर गई, जबकि नरेश नामक बालक के दोनों पैरों के ऊपर से ट्रक निकल गया, जिस पर राजकीय बगड़िया अस्पताल घायल अवस्था में नरेश को लाया गया, सीकर रेफर किया गया। सीकर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सीकर के अस्पताल में ही पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को सौंप दिया, जबकि ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।